नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोटेक बॉटनी विद डॉक्टर विनीत सोनी। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, कैरियर एंड स्कोप इन बायोटेक एंड बॉटनी आफ्टर एमएससी। एमएससी के बाद बॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या स्कोप्स हैं, कैसे स्टूडेंट्स अपना कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है स्टूडेंट्स के सामने जब वो एमएससी कर रहे होते हैं या एमएससी कर चुके होते हैं। और गाइडेंस की कमी के कारण बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हुए भी बहुत अच्छा जॉब नहीं कर पाते मार्गदर्शन के अभाव में। तो आज हम लोग इसी चीज़ को चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट जो एमएससी कर रहा है उसको अपने आप से पूछना है कि वो क्या करना चाहता है। बायोटेक और बॉटनी के अंदर तीन तरह के स्कोप्स हैं। पहला स्कोप है कि आप टीचिंग में जा सकते हैं, दूसरा स्कोप है आप अपना कैरियर रिसर्च में बना सकते हैं, तीसरा स्कोप है कि आप एक इंडिविजुअल अपना एक बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो तीन स्कोप है, टीचिंग, रिसर्च और बिजनेस। तो अपने आप से आपको पूछना होगा, जब आप बायोटेक में या बॉटनी में एमएससी कर रहे हो तो आपको पूछना पड़ेगा खुद से स्टूडेंट को कि उसका किसकी तरफ लगाव है, टीचिंग की तरफ, रिसर्च की तरफ या बिजनेस की तरफ। तो मैं आपको बताऊंगा, यदि आपका स्टूडेंट का लगाव यदि टीचिंग की तरफ है और वो टीचिंग के लिए यदि स्कूल टीचिंग की तरफ जाना चाहता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है आप बीएड कीजिए, आप जो बीए जो स्कूल टीचिंग के जो एग्ज़ाम्स हैं उसको दीजिए, लेकिन आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज की टीचिंग में जाना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपल्सरी है आपको टीचिंग में ग्रोथ करने के लिए आपको पीएचडी अनिवार्य है। आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, आपको डॉक्टरेट की डिग्री लेनी पड़ेगी बायोटेक में या बॉटनी में, तभी आप टीचिंग के अंदर अपना कैरियर बना पाएंगे। टीचिंग इसके अलावा आप CISR GR की नेट का एग्ज़ाम जो होता है, CISR UGC नेट GRF का जो एग्ज़ाम होता है उसको भी पार क्रॉस कर लें, उसको भी क्रैक कर लें, तो आसानी से आप एक टीचर बन सकते हैं कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में टीचिंग का एक स्कोप आपके लिए खुला है, यदि आप टीचिंग पसंद करते हैं तो। उसके लिए आपको PhD करना अनिवार्य है, तो आप उसके बारे में सोचें। दूसरा स्कोप डेवलप होता है कि यदि आप केवल रिसर्च में जाना चाहते हैं, आपको टीचिंग पसंद नहीं है, आप केवल रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो आप को उस श्रृंखला में भी आपको PhD करना जरूरी है। आपको डॉक्टरेट की उपाधि होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टरेट के अंदर रिसर्च का एक लंबा अनुभव आपको हो जाता है, आप कई सारे इंस्ट्रूमेंट से फैमिलियर हो जाते हैं, तो आपको किस तरह की रिसर्च में जाना है ये आपको सोच लेना है और उसी फील्ड में आपको PhD करनी है। फॉर एग्जांपल, किसी को फार्मास्यूटिकल रिसर्च में जाना है तो उसको प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे काम करना है, तो वो ये सोचे कि मेरी PhD सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पर हो, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे हो, इसके बारे में वो सोचे, उसको यही सोचना पड़ेगा कि। तो स्टूडेंट्स जो भी रिसर्च में जाना चाहते हैं वो अपना कैरियर इस तरह से डिसाइड करें कि किस रिसर्च में जाना है और उस रिसर्च को में जाने के लिए उसको PhD किस टॉपिक पे PhD करनी है, तो ये बहुत अनिवार्य है। तो पहला स्कोप हो गया टीचिंग का, दूसरा हो गया रिसर्च का। रिसर्च के अंदर आपको और आगे जाना है, PhD कर लिया आपने, PhD के बाद आप पोस्ट डॉक्टरेट कर सकते हैं। इंडिया में कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, सभी विश्वविद्यालयों के अंदर और सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में पोस्ट डॉक्टरेट आप ज्वाइन एज ए फेलो डॉक ज्वाइन कर सकते हैं, आप एब्रॉड जा सकते हैं। वुमेंस के लिए, जो गर्ल्स हैं उनके लिए वुमेन साइंटिस्ट स्कीम चलता है, आफ्टर PhD दे कैन ज्वाइन इट, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो रिसर्च में अपार संभावना है, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पर आप एब्जॉर्व हो सकते हैं जॉब के लिए। तो आफ्टर MSc बॉटनी और बायोटेक के अंदर आप पहला फील्ड है टीचिंग में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, और तीसरा है कि आपको दोनों ही पसंद नहीं है, और आप चाहते हैं कि आप इसी फील्ड में अपनी बॉटनी की और बायोटेक की नॉलेज को यूज़ करके आप लोग बिजनेस एस्टैब्लिश करें, खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करें, तो इस नॉलेज को यूज़ करके बॉटनी की या बायोटेक्नोलॉजी की जो नॉलेज आपने MSc में इकट्ठी की है, उस नॉलेज को यूज़ करके कैसे आप बिजनेस में जा सकते हैं, कौन कौन से बिजनेस आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो कुछ बिजनेस की मैं आपसे बात करूँगा। देखिए, बिजनेस यदि आप करना चाहते हैं
तो सक्सेसफुल बिजनेस की बात करूंगा मैं, मशरूम कल्टीवेशन आप कर सकते हैं। आपके पास बहुत छोटी ज़मीन है, आपके पास 50x50 फिट की भी यदि ज़मीन है तो वहाँ पर आप मशरूम ग्रो करवा सकते हैं। हाई मॉइस्चर कंडीशन के अंदर मशरूम ग्रो हो सकते हैं और मशरूम कल्टीवेशंस कर आप उसकी सेल कर सकते हैं। कई सारे होटल्स के अंदर, 5-star होटल्स में, 3-star होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है ईटेबल मशरूम्स की। तो याद रखिएगा, मशरूम जो है, मशरूम का कल्टीवेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और क्योंकि आपके पास नॉलेज है बॉटनी की, आपके पास नॉलेज है बायोटेक्नोलॉजी की, MSc में जो आपने ली है उसको आप यूज़ कर सकते हैं मशरूम कल्टीवेशन में, और वास्तव में बहुत ज़्यादा स्कोप है इस फील्ड में। दूसरी बात, हम बात करते हैं कि मशरूम के अलावा और किस फील्ड में आप जा सकते हैं मशरूम कल्टीवेशन के अलावा। एक एल्गी होती है दैट इज़ नोन एज ए स्पायरुलिना, आपने नाम सुना होगा स्पायरुलिना। आप स्पायरुलिना का कल्टीवेशन कर सकते हैं। स्पायरुलिना एक प्रोटीन है, डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, जो कि काफ़ी एनर्जी रिच प्रोटीन होता है और जो कि आजकल एक एनर्जी एड्स के रूप में मिलता है, उसकी कैप्सूल्स मिलती है। तो आप इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, कुछ आपको 10x10 के खड्डे बनाने हैं, उसमें आपको त्रिपाल रख कर पानी भरना है और पानी भरकर आप स्पायरुलिना जो एल्गी है वो डाल देते हैं। कुछ ही दिनों में वो फैल जाती है और उसका पाउडर बनाकर आप मार्केट के अंदर या कैप्सूल्स में उसको सेल करते हैं। तो एक अच्छा बिजनेस, ये भी एक स्पायरुलिना का अच्छा बिजनेस आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा आर्थिक मुनाफा आप कमा सकते हैं। स्पायरुलिना कल्टीवेशन के बाद आपने एक नया बिजनेस, मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब BSc की होगी या MSc की होगी तो आप कई सारे मटेरियल्स को देखते हैं, प्लांट मटेरियल जो कोई कंपनी आके आपके कॉलेज को सप्लाई करती है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक, एनाबिना, छोटी छोटी डब्बियों में आपको कॉलेजेस को जो सप्लाई होता है प्रैक्टिकल लैब्स में, BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या MSc की क्लासेज में। तो ये जो प्लांट मटेरियल है, जैसे ब्रायोफाइटा का मटेरियल हो गया, टेरिडोफाइटा का मटेरियल हो गया, ये कहाँ से आ रहा है? तो इसको भी कोई ना कोई सप्लाई कर रहा है। तो आपके पास नॉलेज है इन सब की, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीज़ की कि कौन सा प्लांट मटेरियल कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और उसको कब कलेक्शन करना है। तो इसका भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं यदि आपके पास एक अच्छी नॉलेज है, और है आपके पास नॉलेज क्योंकि आप MSc हैं बॉटनी में या फिर बायोटेक में। तो प्लांट मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी आप एक बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि बायोटेक फील्ड में जाना चाहते हैं तो प्लांट टिश्यू कल्चर की लैब्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर लैब्स काफ़ी ज़्यादा आजकल डिमांडिंग है क्योंकि अच्छे प्लांट स्पीसीज जो हैं उनको लार्ज स्केल में उनकी डिमांड रहती है। आप यदि गुजरात में जाएंगे तो आपको बहुत सारे बनाना टिश्यू कल्चर के प्राइवेट कंपनीज मिल जाएगी, ऑर्किड्स की कंपनीज मिल जाएगी जो कि ऑर्किड्स के प्लांट्स का टिश्यू कल्चर कर रही है, क्योंकि ये वो कई सारे प्लांट्स होते हैं जो कि सीड से ग्रो नहीं हो पाते। तो क्लोनल प्रोपोगेशन के थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर जब प्लांट्स को तैयार किया जाता है तो एलाइड प्लांट स्पीसीज को आप अच्छे प्लांट वैरायटीज से एक्सप्लांट लेंगे तो अच्छे ही प्लांट आपके डेवलप होंगे, तो उनको भी आप सेल कर सकते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर लैब अपने आप में आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसमें जो डिमांडिंग प्लांट्स हैं उनको आप प्रोपोगेट करें और उनको सैपलिंग फॉर्म्स में, उनके प्लांटलेट्स को आप जहाँ पर भी डिमांड है वहाँ पे आप उनको सेल कीजिए। तो बहुत अच्छा एक बिजनेस है प्लांट टिश्यू कल्चर लैब्स को एस्टैब्लिश करना। इसके अलावा आपके कॉलोनी में, आपके सिटी में गार्डन नर्सरीज होगी, प्लांट की नर्सरीज होगी, लेकिन क्योंकि आपके पास बॉटनी और बायोटेक की नॉलेज है तो आप आसानी से एक बहुत ही शानदार नर्सरी आप ओपन कर सकते हैं। नर्सरी ओपन करने के लिए क्या है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कुछ, और वो नॉलेज जो है कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स को कैसे ग्रो करना है, प्लांट्स पे पैथोजन हो गए उसको कैसे, उनके ऊपर कैसे काबू पाना है, तो इस तरह की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, और आपके पास ये नॉलेज है क्योंकि आपके पास मास्टर डिग्री है। तो मैंने आपको वो जितने भी बिज़नेस बताए इन बिज़नेस के बारे में मैं एक एक के ऊपर एक एक क्लास लूँगा। मशरूम कल्टीवेशन कैसे करें, स्पायरुलिना कल्टीवेशन कैसे करें, प्लांट मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, प्लांट टिश्यू कल्चर लैब एस्टैब्लिश करनी है तो कैसे करनी है, गार्डनिंग करनी है तो कैसे करनी है, इसके बारे में। लेकिन आज मैंने आपको ओवरव्यू बताया, 3 स्कोप हैं, टीचिंग, रिसर्च और बिजनेस। आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे स्कोप हैं। जुड़े रहिए मेरे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।